साल 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी कांड में मुख्य आरोपी फारूक मोहम्मद भाना को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। फारूक पिछले 14 साल से फरार था। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक फारूक भाना गोधरा कांड के मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में आग लगाई थी, जिसमें 59 कार सेवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। एटीएस के मुताबिक जब यह घटना हुई थी उस वक्त भाना गोधरा में कॉरपोरेटर था और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो मुंबई में छिपा था। भाना यहाँ प्रॉपर्टी ब्रोकर के तौर पर काम करता रहा। एक सूचना के आधार पर भाना को पंचमहल जिले के काकोल टाउन से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो गोधरा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक भाना साबरमती एक्सप्रेस के 6 बोगी में आग लगाने वाला मुख्य साजिशकर्ता है। उसने गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगाने के लिए अमन गेस्ट हाउस में अपने साथियों के साथ साजिश रची। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे हुए थे, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। गोधरा कार्नेज केस माना जाता है, इनमें 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। जो की कॉन्स्पायरेटर थे इनमें, अभी जो आरोपी फारूक भाना नाम का आरोपी जो पकड़ा गया है, इनका नाम था। 14 साल के अंदर जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन, पहले भी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ही था, तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था तब ये S6 कोच जलाने के बाद ये और सलीम पानवाला दोनों गोधरा छोड़ के बॉम्बे चले गए थे। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट काम कर लेता था वो। 4-5 बार वो गोधरा आया गया था और ये हमें जब माहिती मिली तो हमने ये वॉच रख के इनको पकड़ा लिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि इस गिरफ्तारी पर कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। वेल ही वुड बी सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ लॉ इफ ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड डिफेंडर बाय द कोर्ट। इफ एट ऑल ही हैज बीन डिक्लेयर्ड देन ही वुड हैव टू बी चार्ज शीटेड एंड अ फ्रेश ट्रायल वुड हैव टू बी हेल्ड क्वे हिम। सो देयरफॉर इफ एट ऑल देयर इज एन अरेस्ट, दैट अरेस्ट विल अल्टीमेटली हैव टू बी फॉलोड अप बाय अ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने आज उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ में स्नान किया और जेल में जारी अपने अनशन को तोड़ दिया। इससे पहले साध्वी को आज भोपाल से उज्जैन लाया गया ताकि वो कुंभ में स्नान करें और अपना अनशन तोड़ दें। भोपाल से उज्जैन रवाना होने से पहले साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी और उन्हें उम्मीद है कि वो निर्दोष साबित होंगी। साध्वी प्रज्ञा ने सिंहस्थ कुंभ में स्नान की इजाजत न मिलने के बाद सोमवार से जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए आई हूं, जिससे मैं स्वस्थ हूं, मुझे एनर्जी मिले और मैं राष्ट्र का कार्य अच्छे से कर सकूं। दूसरी बात, मैं कुंभ में कोर्ट ऑर्डर से आई हूं, इसलिए मैं उसके पूरे नियमों का पालन करूंगी। कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। साध्वी ने पूछा कि जब कोर्ट ने उन्हें उज्जैन जाने के लिए आदेश दे दिया तो फिर सरकार ने उन्हें क्यों नहीं जाने दिया। मैं 2 साल से कैंसर पीड़ित हूं, ऐसी स्थिति में आमरण अनशन नहीं करती, लेकिन सरकार ने मुझे मजबूर किया। मैं सरकार के खिलाफ मानवाधिकार आयोग भी जाऊंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी उन्होंने जो मेरे अधिकारों का हनन किया है, मैं इसके खिलाफ मानवाधिकार आयोग में भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो कष्ट हो रहा है, आज तक मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मुझे इतना ज्यादा तकलीफ है, मैं 2 वर्षों से हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि हर पल में बीमार रहती हूँ, इसके कारण मेरी स्थिति बिल्कुल अमरण अनशन की करने की नहीं थी, इन्होंने मजबूर किया, इसके कारण जो कष्ट हुआ इसका भुगतान शिवराज सिंह चौहान को भुगतना पड़ेगा। नेहरू गांधी परिवार पर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के हमले से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषि कपूर के घर के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल ऋषि कपूर ने देश में कई जगहों पर संपत्तियों का नाम नेहरू गांधी के नाम पर रखे जाने पर निशाना साधा था। ऋषि कपूर ने ट्वीट किया कि कांग्रेस देश की संपत्ति के नामकरण गांधी परिवार के नाम पर करना छोड़े। बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम लता मंगेशकर या जेआरडी टाटा लिंक रोड रख सकते हैं। एक और ट्वीट में ऋषि कपूर ने लिखा कि जब दिल्ली की सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं
तो कांग्रेस की संपत्ति या प्रॉपर्टी के नाम क्यों नहीं? देखिए, ऋषि कपूर एक बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं और उनके योगदानों को मैं नकार नहीं सकता, लेकिन हाल के दिनों में थोड़े उम्र दराज हो गए हैं और अक्सर नशे की धुंधकी में भी रहते हैं, तो ऐसे में वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं शायद इसका ज्ञान उन्हीं को नहीं रहता। कि थोड़ा इतिहास पढ़ लें, गांधी नेहरू परिवार का क्या योगदान रहा है इस देश में, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी का क्या योगदान रहा है, इंदिरा जी का क्या योगदान है, राजीव जी का योगदान क्या है, इसको जरा जान समझ लें, उसके बाद जब होशो हवास में रहे तब कोई अपनी बात करे तो बेहतर। गांधी परिवार का नाम आने के बाद इसे लेकर सियासी बयान भी सामने आने लगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऋषि कपूर इसके जरिए पीएम मोदी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। एनसीपी ने ऋषि कपूर की सोच को पीएम मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत की सोच से प्रभावित बताया। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को इनटॉलरेंट न होने की सलाह दी। ऋषि कपूर जी का ये बयान कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्या गांधी खानदान की प्रॉपर्टी है जो उसका नाम पर रखा गया है, मैं समझता हूँ कि उनका कहना ये सही इसलिए नहीं है कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से जुड़ी थी, इसलिए कांग्रेस की महत्वता को देखते हुए उन्हें ये एयरपोर्ट के नाम उनके नाम से मंसूब किया गया। ऐसा नहीं है, हमारे नेशनल लीडर्स वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, अगर उन्होंने देश सेवा और समाज सेवा में कोई उत्कर्ष काम किया हो तो उनके नाम से मंसूब किए जाते हैं रास्ते, एयरपोर्ट वगैरह, तो इसमें क्या तकलीफ की बात है। वो कांग्रेस का नाम है इसलिए मिटा दिया जाए, इसलिए कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, ये उचित नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस के अलावा किसी और का नाम न रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप टिप्पणी इसलिए करते हैं कि वो कांग्रेस की नेता थी। इट सीम्स दैट यू नो सम पीपल are trying to abuse the Congress leadership just to get into the good books for the BJP. This is the cheap game some people are playing. Without any rhyme or reason, some people started attacking the Congress leadership. But they should know that much more than what they imagine, there is mass support for the Congress leadership and for the Congress party. उत्तराखंड कांग्रेस के बागी 9 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आज दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू की मौजूदगी में इन्हें पार्टी में शामिल कराया गया। इन विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की थी, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। भय और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायक सामने आए, उन्होंने अपनी विधायकी की भी परवाह नहीं की। आज वे सब भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष में शामिल होने के लिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत ही प्रैग्मैटिक लीडर है और अनफ्लिंचिंग उनकी कमिटमेंट है गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए। आज उनके नेतृत्व में, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के, उनकी नीतियां देख करके 2 वर्षों की, हम सब ने हमेशा अध्यक्ष जी से मुलाकात करी। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के खिलाफ फिस्टिंग मामले में सीबीआई की जांच जारी रहेगी। सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में उत्तराखंड सरकार ने फिस्टिंग मामले की सीबीआई जांच वापस लेने की मांग की थी। सीबीआई ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का प्रस्ताव कानूनी रूप से वैध नहीं है, हम पहले की तरह स्टिंग मामले की जांच करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर वो कानूनी राय लेगी। हमने भी कानून विदों से राय लेकर तभी इस पर निर्णय लिया था कि राज्य सरकार को जब प्रारंभिक स्टेज न प्रारंभ हुई हो तो वापिस करने का अधिकार है, लेकिन अब सीबीआई ने जिस भी कानून के अंतर्गत निर्णय लिया होगा, ठीक, उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया होगा तो कानूनी पहलू को हम देखेंगे और कानूनी लड़ाई भी हो सकती। हाल ही में सियासी संकट से उभरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। दरअसल हरीश कैबिनेट का विस्तार और राज्यसभा चुनाव दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार 11 जून को होने वाले राज्यसभा
के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसे देखते हुए कैबिनेट विस्तार को राज्यसभा चुनाव के बाद कराने पर जोर दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है, जबकि मौजूदा समय में सरकार पर मंत्री बनाने का काफी दबाव है। दरअसल कैबिनेट में मौजूदा वक्त में 2 सीटें खाली हैं, लेकिन दावेदारों की लिस्ट लंबी है। जीतने वाला तो अभी कांग्रेस की ओर से ही होगा, उन्होंने हाल ही में बहुमत साबित किया है और बहुत दूर तक संभावना नजर नहीं आती है कि कांग्रेस के से इतर कोई जीत सकता है। भाजपा के लोग तो ये भी संभावना है कि अपना प्रत्याशी खड़ा ना कर पाए। पीछे भी 2-3 चुनाव ऐसे हुए हैं कि जब उन्होंने अपना प्रत्याशी का नाम ही वापस ले लिया, तो इस बात की पूरी संभावना कि कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस का व्यक्ति चुनाव जीते। मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। एक गांव के गरीब किसान जिसको लोग हल्ला कहते हैं, हम वो हैं। पीडीएफ ने ये मांग उठानी शुरू कर दी है कि हमने कांग्रेस का लगातार बहुत साथ दिया है और अब राज्यसभा की सीट पीडीएफ को दी जाए और निश्चित रूप से खरीद फरोख्त होगी। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि लोकतंत्र में खरीद फरोख्त का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव के बाद मतगणना कल सुबह से शुरू हो जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये तस्वीर दोपहर 12 बजे तक काफी हद तक साफ हो जाएगी। इन चुनाव में देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम इसे माना जा रहा है। इन चुनावों के नतीजों का असर आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर देखने को मिल सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार 2 साल पूरा होने पर आयोजित मेगा कार्यक्रम की शुरुआत सहारनपुर से करेगी। वहीं यूपी चुनाव के दौरान लोगों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए अपना संगठन करने पर भी पार्टी की खास नजर है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांट कर उनके क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की है। ये क्षेत्र हैं काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रिज और पश्चिम। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज एक बड़ा खुलासा किया। सैफई मेडिकल कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए एसपी अध्यक्ष ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगे थे कि मेरे संबंध डकैतों से। मुलायम ने कहा कि यह सच है कि मैं एक बार चुपचाप डकैतों से मिला और मैंने उन्हें गलत रास्ता छोड़ने को कहा। मुलायम ने कहा कि कई लोगों ने डकैती का रास्ता छोड़ा। आगरा में उन्होंने बड़े पैमाने पर डकैतों ने सरेंडर किया। इस मौके पर मुलायम ने सीएम अखिलेश यादव पर भी खुलकर बात की। मुलायम ने कहा कि जब चुनाव हुआ था तो जनता ने उनके नाम पर वोट दिया था, लेकिन हमने जब अखिलेश को सीएम बनाया तो 15-20 दिन कैसे गुजरे ये वही जानते हैं। अब देखो ये कहां पर से दिखते तो बन गए टीम से, कोई सोचता था इस टीम से बन जाए। जब चुनाव हुआ तो जनता ने मेरे नाम पर वोट दिया, ये सही है, तो मुलायम सिंह बनेगी टीम से। और जब मैं अखिलेश को बना दिया तो 15-20 दिन तो हमें जानते क्या जनता को ना। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी के विदेशी कनेक्शन की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आनंद जोशी के विदेशी संपर्कों की जांच शुरू कर दी है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को सस्पेंड कर दिया गया है। जोशी 11 मई को अपने घर से गायब हो गए थे, उन्हें 4 दिन बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जोशी पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का केस। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने हिरासत के दौरान आनंद जोशी से अल्जीरिया, ब्रिटेन और कनाडा के संपर्कों के बारे में पूछताछ की। पता चला कि आनंद जोशी विदेश में बसना चाह रहे थे। जोशी अफ्रीकी देश अल्जीरिया में आईटी हब खोलना चाहते थे। वो अपनी पत्नी के लिए यूरोप के किसी देश में वर्किंग वीजा हासिल करने की फिराक में थे और पत्नी की 3 कंपनियों के नाम पर कर्ज लेना चाहते थे। आरोप है कि आनंद जोशी ने कुछ एनजीओ से रिश्वत ली और अपनी मर्जी से एनजीओ को नोटिस जारी किया। उन पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ से जुड़ी फाइल गायब करने का भी आरोप है। पनामा पेपर लीक मामले में आयकर विभाग ने गुजरात के करीब 19 लोगों को नोटिस जारी किया है। इन लोगों को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक कई लोगों के पास बेनामी कंपनियां हो सकती हैं जिनके जरिए ये पैसा विदेश भेजा गया। गौरतलब है कि पनामा की लॉ फर्म
मुस्साक फाइनेंस का पर टैक्स हैवन देशों में फर्जी कंपनियां खोलकर अरबों रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है। मुस्साक फोनसेका के जरिए भारत के कई लोगों पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी फ्यूल स्कैंडल में फंस गई है। कंपनी पर फ्यूल माइलेज में धोखाधड़ी का आरोप है। इस खबर पर टोक्यो एक्सचेंज की सुजुकी का शेयर 15% से ज्यादा लुढ़क गया। सुजुकी के शेयर में ये 16 साल में सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने कहा कि वो फ्यूल माइलेज चेक करने के लिए अब दूसरे मेथड पर काम कर रहे हैं। जापान में 660 सीसी के मिनी व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को कानून के तहत प्रेफरेंशियल टैक्स छूट मिलती है। टैक्स में छूट पाने के लिए कंपनियां माइलेज में इस तरह की धोखाधड़ी करती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट मार्केस में शेयर ट्रांसफर और बिक्री पर रोक लगा दी है। यानी स्पाइसजेट के प्रमोटर्स कलानिधि मारन को शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। स्पाइसजेट के को फाउंडर अजय सिंह ने पिछले साल एयरलाइंस का अधिग्रहण किया था। उस वक्त अजय सिंह ने वादा किया था कि वो कलानिधि मारन को वारंट जारी करेंगे जिसे बाद में शेयर में बदल दिया जाएगा। लेकिन वादा पूरा न होने पर मारन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू आज फाइटर प्लेन सुखोई 30 में चढ़े। उन्होंने 30 मिनट तक सुपरसोनिक रफ्तार के रोमांच को महसूस किया। पंजाब के अलवारा एयरबेस से रिजिजू ने 9 बजे सुखोई से उड़ान भरी। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को खुद एयरफोर्स चीफ ने सुखोई में उड़ान भरने के लिए आमंत्रित किया था। रिजिजू को रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी उड़ान भरने की मंजूरी मिली हुई थी। सुखोई में उड़ान भरने वाले रिजिजू मोदी सरकार के तीसरे मंत्री हैं। इससे पहले राजीव प्रताप रूड़ी और राव इंद्रजीत सिंह भी सुखोई की सवारी कर चुके हैं। सुखोई की अधिकतम रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम हाइट 56,800 फीट है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को होने वाले बीसीसीआई चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की याचिका को यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि वो अपनी याचिका इस मामले की पहले से सुनवाई कर रही बेंच के पास रखें। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बीसीसीआई चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में जस्टिस लोढ़ा कमेटी के सुझाव का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि कोर्ट बीसीसीआई चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों पर रोक लगाए जिनके खिलाफ अदालत में आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। ट्रिपल तलाक के दुरुपयोग का एक और मामला सामने आया है। जयपुर की रहने वाली अफरीन रहमान ने दावा किया कि उन्हें स्पीड पोस्ट से तलाक भेजा गया। अफरीन ने 2014 में मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए शादी की थी। अफरीन का आरोप है कि शादी के 2 महीने बाद ही दहेज की मांग को लेकर उनके ससुराल वाले परेशान करने लगे और आखिरकार उनके पति ने स्पीड पोस्ट भेजकर उन्हें तलाक दे दिया। अब अफरीन ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मेरी शादी हुई थी shaadi.com के थ्रू 2014 में एंड उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी अच्छा रखा 2-3 महीने। उसके बाद से वही फिर डॉरी के लिए उन्होंने मेरे को मांग करने लग गए बिकॉज वो वकील हैं इंदौर में हाई कोर्ट में और NLU LLM करी है पटियाला से। तो बस उसकी मम्मी वगैरह सब यही कहते थे कि अगर कोई और दूसरी लड़की आती तो अच्छी कार मिलती, बड़ी कार मिलती, ज़्यादा डॉरी मिलती, इतना ज़्यादा कैश मिलता। इस तरह से उन्होंने मुझे मेंटली हैरेस करना पहले स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने मुझे वही मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने फिर मुझे अगस्त में एक बार मारपीट के घर से निकाल दिया, वापस ले गए ये लोगों के समझाने बुझाने पर। फिर वापस इन्होंने मुझे सितंबर में मारपीट के घर से वापस निकाल दिया। उसके बाद मैं और मेरी मदर जोधपुर जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। मेरी मम्मी की ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हुआ उधर, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मुझे भी काफ़ी चोटें आई थी, मेरी रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद से ये लोग आए, जोधपुर आए, 9-10 दिन रहे और फिर वापस नहीं आइए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में JNU के कुछ प्रोफेसर्स के खिलाफ नक्सलियों के समर्थन की शिकायत दर्ज कराई गई है। बस्तर के डरबा थाने में 2 गांव वालों ने शिकायत की है।
कि जेएनयू के 3-4 प्रोफेसर्स ने उन्हें नक्सलियों के साथ मिलकर रहने की सलाह दी। कुछ दिन पहले जेएनयू के 3-4 प्रोफेसर बस्तर के कुमाकोलेंग और नामा गांव आए थे। गांव वालों ने शिकायत की कि जेएनयू प्रोफेसर्स ने कहा कि पुलिस गांव वालों को सुरक्षा नहीं दे सकती। जेएनयू प्रोफेसर पर ये आरोप भी है कि उन्होंने गांव वालों को कहा कि अगर नक्सलियों का साथ नहीं दिया तो नक्सली दोनों गांव जला देंगे। पुलिस प्रोफेसर्स के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है। वहीं राज्य सरकार का भी कहना है कि अगर आरोपों में सच्चाई हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच एजेंसी से मामले की जांच कराने को कहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है। नोएडा के एक नामचीन अस्पताल के डॉक्टर को एक मरीज को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह महंगी पड़ गई। आरोप है कि डॉक्टर की सलाह से नाराज मरीज ने अपने साथियों को बुलाकर अस्पताल में ही डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। डॉक्टर की पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट में डॉक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामला सेक्टर 73 में बने इंटरसिटी हॉस्पिटल का है। इसी अस्पताल के बुजुर्ग डॉक्टर अली अकबर ने मरीज को अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी, जिससे नाराज होकर उनके साथ मारपीट हुई। हैरत की बात यह है कि डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक प्राइवेट स्कूल की लापरवाही से दो भाई बहन करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से जहां छात्र की मौत हो गई, वहीं छात्रा अब भी अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों भाई बहन स्कूल में लगे हैंडपंप में पानी पीने गए। पानी पीने के दौरान हैंडपंप पर लगी मोटर में करंट उतर आया। करंट की चपेट में दोनों भाई बहन आ गए। मामला मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के AIM पब्लिक स्कूल का है। हादसे के बाद से स्कूल प्रबंधन के सभी लोग फरार हैं। देश के ज्यादातर राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने सूरज के तीखे तेवर देखते हुए दिल्ली समेत 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। असम और तमिलनाडु में लोगों का हाल बारिश से बुरा है। असम में यह हाल है कि घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर पानी है, लोग बड़ी मुश्किल से कहीं आ जा पा रहे हैं, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। जल संकट को देखते हुए लखनऊ में पानी बचाने की विशेष मुहिम शुरू की गई है। DM ने ऐलान किया है कि पानी बर्बाद करने वाले को सजा दी जाएगी और जो पानी बचाएगा उसे सम्मानित किया जाएगा। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में देश विदेश के लाखों भक्त शामिल हुए। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर बुराड़ी से निगम बोध घाट लाया गया। दुनिया के दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक का पहला भारत दौरा आज से शुरू हो गया। भारत दौरे के दौरान टिम कुक का शेड्यूल काफी टाइट रहने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक को जनवरी मार्च तिमाही में बैंकिंग सेक्टर के इतिहास में सबसे बड़ा घाटा हुआ है। चौथी तिमाही में बैंक को 5,370 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में बैंक को 306 करोड़ का मुनाफा हुआ था। बैंक का घाटा बढ़ने के लिए प्रोविजनिंग में आई बढ़ोतरी अहम वजह मानी जा रही है और इस तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग पिछले साल के मुकाबले करीब 3 गुना बढ़कर 10,490 करोड़ रही। अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में उल्कापिंड के गिरने का अनोखा वीडियो सामने आया है। जिस वक्त उल्कापिंड आसमान से गिर रहा था उस वक्त आसमान का नज़ारा दिन जैसा हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग का गोला जमीन पर गिर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।